एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए देखते हैं आज की। दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन सईदाबाद मोहतरमा फराह खान प्रेसिडेंट की जानिब से आज एक कैंडल रैली निकाली गई, जो शमशाबाद दिशा केस के जिम्मान में रखी गई थी, जिसमें 100 से जायद खवातीन अपने हाथ में कैंडल लेकर हिस्सा लिया। इस रैली में मेजर प्रोफेसर डॉक्टर सुल्ताना खान, जनाब ईसा मिस्री, कराटे मास्टर जनाब जावेद, जनाब इफ्तखार शरीफ के अलावा दिगर मौजूद थे। फराह खान, जैसा कि आप लोग आए हैं मेरी ऑफिस पे, जो हाल ही में एक शर्मनाक हादसा हुआ है बच्ची के साथ, और उसकी उसी हादसे में मौत हो चुकी है, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने आप को इन हालात से जितना मुमकिन हो सके बचाने की कोशिश कीजिए। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है कई तरह की होती है, कराटे भी हैं, मार्शल आर्ट भी हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ को अपनाइए। और पुलिस, जैसा कि कमिश्नर साहब हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर, आपसे मेरे को पूरी उम्मीद है, फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि प्लीज़ आप ये हालात को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल कीजिए, और जितना हो सके फास्ट ट्रैक के ऊपर केस चला के ये खातिलों को सजाए मौत दी जाए। दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, हमारे फराह खान मेरी बहन की तरफ से, सारी मोहल्लाएं, इस मोहल्ले की महिलाएं, लेडीज, नौजवान और इफ्तिखार शरीफ साहब और हिंदू मुस्लिम हर मजहब के लोग हमारे साथ शामिल हैं। जो ये इंसिडेंस हुआ है जो शमशाबाद के पास, उस जो लेडी का जो भी काम हुआ है, उससे हम सबको, बल्कि हैदराबाद को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को तकलीफ है कि हिंदुस्तान के अंदर जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लिए हर मर्द की जिम्मेदार है। खाली औरत के ऊपर जुल्म करना मर्द का ही काम है, तो हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें कि वो औरतों को अपनी माँ बहन जैसे देखें। सबसे बेहतर और सबसे बुरा काम जो हमारे देश में, जो हमारे खास करके तेलंगाना में चल रहा है, वो शराब नवेशी चल रही है। जो ड्रिंक्स का जो दुकानें गली गली जगह जगह जो खुल रहे हैं, उसकी वजह से इस किस्म के हादसे हो रहे हैं। और हम, मैं चाहता हूँ हुकूमत से कि पहले जैसे आंध्र प्रदेश में शराब खुली थी वहाँ बंद कर दिया है, तो आप भी यहाँ पे कुछ पहला कदम उठाइए और शराब की दुकानें बंद कराइए, ताकि हमारे पास इस्लाम में कहते हैं उम्मुल खबीस, यानी कि गुनाहों की माँ क्या है, शराब है। जब आदमी शराब पीता है तो उसका होश आवाज सब खो देता है। तो इस हादसे में भी आप सबने देखा होगा कि जो ये वारदात अंजाम दिए, वो सुबह से शाम तक बैठी घिनौनी हरकत कोई ना करे। अब उसके अंदर और इसके अंदर और एक पॉलिटिकल लोग आके, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ मगर मैं इसको पॉलिटिकल नहीं लूंगा, पॉलिटिकल लोग आके हिंदू मुस्लिम उसको इसको करना चाह रहे। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, कोई प्रियंका हो या कोई आसिफा हो, सब हमारे लिए बराबर हैं। कोई भी इंसिडेंस करेगा, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो घिनौनी हरकत हुई, उन सबको
सजाए मौत दे, अगर सजाए मौत ना दिए और इसके अंदर टाइम को जो है बढ़ाते चले गए तो ऐसा ऐसे हादसा आने आगे भी होने के चांसेस रहेंगे। तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि खास तवज्जो देके इसको फास्ट ट्रैक पे रखें, इन्हें सजाए मौत दें ताकि आगे ऐसे मुजरिम डर जाएं और इस घिनौनी हरकत करने से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ जो